मतलब टिकट का चार्ज लेगा लोग, बट हम लोग को वो ज्यादा और ये ब्लैंकेट अपनी नहीं दे रहा था, बट मेरा पति जाके लेकर आया। सिंकू निकाल रहा है खाना, खाने में हम लोग लेकर आए हुए हैं वो मटर कचौड़ी, कचौड़ी नहीं तो सॉरी मटर पराठा, और सिंकू जो पनीर की सब्जी बनाते हैं भाई, और अचार। सो ये राम वाला ट्रेन वाला खाना, बट मुझे ट्रेन में स्पेशल जो पूड़ी या भुजिया बनता है ना, मुझे वो पसंद है। बचपन से हम लोग ट्रेन में वही ले जाते हैं, आप लोग भी साथ वही ले जाते हो, प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप लोग क्या ले जाते थे ट्रेन में। बट लेकिन वो जो डब्बे में से जो पूड़ी और भुजिया का स्मेल निकलता था ना, ओह बहुत टेस्टी। सो ये रहा हमारा लंच। हम किए हैं पूजा के पति चा कॉफी। तो हम लोग तिरुपति स्टेशन पे पहुंच गए हैं, पापा मम्मी का वेट कर रहा है, पापा मम्मी भी आ रहे हैं, वो लोग यहीं पे कहीं है, सिंकू फोन कर रहा है तो फिर उठा रहे हैं, बोल रहे आ रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग होटल जाएंगे और वहाँ से फ्रेश होके फिर कहीं मंदिर की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पे सिंकू है और पापा लोग का वेट कर रहे हैं हम लोग। मतलब ये तीन बार मम्मी का ना कैंसिल हो चुका है बालाजी का प्लान, मतलब तीन तीन बार बना है, बट फाइनली फोर टाइम पे मम्मी का ये प्लान सक्सेसफुल होने जा रहा है वो भी मेरे साथ मेरी एनिवर्सरी पे। सो अभी हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। सो मम्मी मिठाई लेके आई है, मतलब मेरे लिए लेके आई है, ट्रेन में खाने के लिए लाई थी, तो बचा हुआ है नोरम सोंदेश गुड़ के साथ खाते हैं। मैं भूल गया, सब खा जाएगा, मैं तो सिंगल। ये क्यों नहीं दिया मेरे को आप? बस यहाँ पे रुका हुआ है, तो सिंकू गए हुए हैं, तो सिंकू गए हुए हैं टिकट लेने के लिए, उसके बाद ये बस जाएगा पहाड़ को टिकट लेके। हम लोग सीट चेंज कर लिए, सिंकू संदेश खाओगे नहीं खाएगा? ये तो बेमाने ये क्या बात हो गई।
सुन तो यहाँ पे बस आके रुक गया था, सबका चेकिंग हुआ, सबका लगेज चेकिंग हुआ, मतलब तिरुमला तिरुपति बालाजी के पास ऊपर जाने के लिए यहाँ पे चेकिंग होना ही पड़ेगा। मुझे पता नहीं था कैमरा अलाउड नहीं है, जैसे पुलिस की नज़र पड़ी मेरा फ़ोन उसने रखवा दिया। सो यहाँ पे चेकिंग हुआ, उसके बाद हम लोग आगे के लिए निकले। चलो पापड़े और का वेट कर लिए, एक और वेट कर लेते हैं, इसे पूरा सब चल जा रहा है ना, एक वेट करते हैं। जो पहला बस था हमारा वो हम लोग को यहीं पर उतार दिया है, फिर दूसरा बस करना पड़ेगा वो हम लोग को तिरुमला लेकर जाएगा, सो उसी का वेट कर रहे हैं। ये बस आया था बट ये बहुत ज़्यादा क्राउड है, मर जाएंगे इसी में ही, सो दूसरे भी बस का वेट कर रहे हैं, जैसे आएगा हम लोग निकल जाएंगे। तो सिंकू गए हुए हैं जाकर हम लोग का जो होटल बुक होगा ना तिरुमला में जाकर ऊपर, तो सिंकू जाके वो होटल का जो क्या बोलते हैं आई थिंक कुछ टिकट विकट कटवाना पड़ेगा। सो हम लोग यहीं पे हैं बस स्टैंड पे और पापा वहाँ चाय ले रहे हैं, मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हम लोग होटल में थक गए यार, नीचे से ऊपर हम लोग आ रहे हैं। हम लोग होटल हम लोग मंदिर के पास ढूंढ रहे थे, तो फिर वो मंदिर के ऑफिस से आगे चले गए थे जाकर, तो फिर हम लोग को सीआरओ जो ऑफिस है उसी में हम लोग को वो बुकिंग करना पड़ेगा, मे बी लाइन है बहुत सारा। तो फिर सिंकू गए हुए हैं कब से, अभी पापा भी गए, सो अभी हम लोग नीचे सारा थक था, पसीना देख रहा चमक रहा है मेरे फेस पे, मम्मी तो पापा और सिंकू गए हुए हैं, आते हैं तो देखते हैं रूम का क्या सीन है, क्योंकि यहाँ पे रूम आप ना ऑनलाइन बुक कर नहीं सकते, आपको यहीं पे आके रूम बुक करना पड़ेगा, सो इसीलिए थोड़ी दिक्कत होती है। ऑनलाइन रहता थोड़ा इजी रहता है, जाकर आप रूम ले लो बस, पर लेकिन यहाँ पे आकर आपको रूम लेना पड़ेगा, सो देखते हैं क्या सीन है पापा। अभी हो रहा है 6:30 और यहाँ पे क्या मतलब प्रसाद मिल रहा था, प्रसाद में खिचड़ी मिल रहा था, तो बहुत लोग बैठ के खाना खा रहे थे, तो हम लोग भी यहाँ पे रोड के साइड में बैठ के सब लोग खा लिए। उसके बाद अभी होटल कॉल आएगा, हम लोग को कॉल आएगा ना, कॉल आएगा रूम के लिए कॉल आएगा, तो हम लोग का रूम अलॉट किया जाएगा, और पापा और हम लोग का रूम अलग अलग डिस्टेंस पे है। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग घूमने टेक ही जाना है ना, तो अभी रूम देखना है रूम कैसा मिल रहा है, रूम कोई हाई प्रोफाइल मिलने वाला है नहीं, बट अभी रूम के लिए सिंको में फोन में आएगा, फिर देखते हैं। हाँ सब नाटक रहता है, किचन भी है क्या? सो ये है मम्मी पापा का रूम, ये है बाथरूम, ये है वॉशरूम, वॉशरूम का लाइट नहीं दिया है ये बात। सो ये है पापा मम्मी का, जस्ट इसके अपोजिट में है हमारा रूम,
तो है ही अपना रूम। ये वॉशरूम सो यस हम लोग फाइनली अपने होटल में आ गए हैं। ये मम्मी पापा का है और जस्ट सामने वाला ही मेरा रूम है। सो हम लोग को पता नहीं था कि सिंकू यहाँ पे गोआईबी से होटल बुक किए थे, उनको एकदम से आइडिया नहीं था। तो हम लोग मतलब वो ऊपर जहाँ बालाजी हैं वहाँ पे हम लोग जाके होटल देख रहे थे। वहाँ पे मतलब सस्ते मिल जाते हैं रूम्स, मतलब पता नहीं अब कैसे होंगे, हम लोग को पता नहीं था। उसके लिए लंबी चौड़ी लाइन लगाई भी थी हमने, और जैसे सिंकू को मैसेज से जाता कि आपका रूम अलॉट कर दिया गया, बट हम लोग को तब तक सिंकू को मैसेज आ गया था कि उनका गोआईबी में उन्होंने होटल बुक करके रखा है। तो वापस हम लोग नीचे आ गए अपने। इसके बाद कल हम लोग को बस 12 बजे हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए। सो की पेन करती हूँ। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय मम्मी। बाय बाय। ब्लॉग तो मेरा एंड हो चुका था, बट यहाँ रात में पापा सो चुके थे, फिर सिंकू बताया कि पिज्ज़ा आ रहा है, तो उन्होंने 4 पैकेट आई थिंक 4 के 3 पैकेट ऑर्डर कर दिए थे, फिर पापा को दिए थे, उठाए पापा बोल रहे नहीं आएंगे, तो वही पापा सब हंस रहे थे कि पापा आ गए पिज्ज़ा खाने के लिए। सो फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स आया था, तो मज़े से हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, और 12 बजे से नहीं पहले क्योंकि एनिवर्सरी थे 12 बजे, तो फिर खा पी के हम लोग मस्त इन्जॉय किए उसके बाद। सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और प्लीज़ वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। बाय।